हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह की सबको नमस्ते। आज हम बना रहे हैं नाश्ते में हस्बैंड की डिमांड पर लहसुन के पराठे, जो हम लहसुन में सारा नमक मिर्च मिला के उसको हम कर लेते हैं कद्दूकस, फिर उसे स्टफ कर देते हैं नॉर्मल नमक में। तो आज गाइस ये नई सब्जी घर में आई थी, बड़ी अरवी। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो इसका बड़ी अरवी से ही नाम पता है, तो मैंने ये पहले कभी नहीं बनाई, पर आज मैं बना रही हूँ ये सब्जी। थोड़ा मम्मी जी से पूछा, थोड़ा इधर उधर से पूछा, और जी हमने यहाँ काट लिया, मम्मी जी ने काट दी थी। मैंने इतनी टमाटर वगैरह काटे, टमाटर प्याज, तो यहाँ अच्छे से हमने इसे धोकर काटकर, और इसमें हम काटने में हाथों में कोई जलन वगैरह ज़्यादा नहीं हुई, हल्का सा डर लग रहा था। तो यहाँ कढ़ाई में चढ़ा दिया हमने सरसों का तेल, और थोड़ा सा पहले ना कुछ बना रहे थे गाइस तो जल गई कढ़ाई, थोड़ी साफ नहीं हुई, तो इसलिए प्लीज़ कोई कमेंट मत करना इस पर। यहाँ सरसों के तेल में ये सब्जी बनती है। अब तेल को गर्म होने के बाद हम ये जो है बड़ी अरवी, आप इसे कोई जिमीकंद क्या कहते हैं उसे, कचालू भी कहते हैं, तो ये वो है। अब इसे हम इसे तेल में 70-80% गला लेंगे। आप चाहें तो इसमें कुकर में सीटी भी दे सकते हैं, पर मैं यहाँ इस तरीके से अच्छे से भून लूँगी थोड़े से ऑयल में, या आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो हमने डाल दिया है, साथ ही साथ गाइस कुछ काम भी कर लेते हैं। मैं यहाँ जमा रही हूँ दही, क्योंकि घर की ही दही बहुत टेस्टी जमती है, और घर की ही दही बनाकर खाना चाहिए, मार्केट की तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो दही जमा लेते हैं, क्योंकि लंच में जाएगी इसके साथ दही खाई जाती है, हमारे घर में डेली ही दही खाई जाती है। ऐसे तो रख देंगे हम पूंछ कर साफ करके माइक्रोवेव में, और 2 घंटे में दही बनकर हो जाती है बिल्कुल तैयार। इधर यहाँ हमारी बड़ी अरवी जो हमने काट कर हम उसे भून रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं तेल में, उसे अब चलाएंगे। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस रेसिपी की, तो कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और किस किस को ये बड़ी अरवी खाना पसंद है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट तो जरूर से ज़रूर कीजिए। तो हम इसमें यहाँ आजकल ना कच्चे आम ज़्यादा आ रहा है, तो हमारे नॉर्मली कच्चा आम ज़्यादा यूज होता है आजकल, अमचूर पाउडर हम कम यूज़ करते हैं, तो मैंने सोचा चलिए इसमें थोड़ा सा कच्चा आम भी डाल लेते हैं, अमचूर पाउडर। तो यहाँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे, और यहाँ ये बड़ी अरवी थोड़े से तेल में हम इसको भून रहे हैं, इसे 80-70% ही भूनेंगे, ये अच्छे से गल जाए तब तक। तो गाइस कच्चे आम जो होता है ना, वो चटनी में और मैंगो राइस, आजकल हम ये सब चीज़ बना के खाते हैं इनसे। और थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा होगा गाइस, बारिश का भी है कुछ ट्रैफिक का, मतलब कि मैं बार बार रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ ये अच्छे से फ्राई हो चुका है थोड़े से ऑयल में, आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम इसे ऑयल में इसको बनाएंगे, थोड़ा इसकी प्यूरी वगैरह तैयार करेंगे। यहाँ ले लिए एक साबुत लाल मिर्च, और थोड़ा सा अब डालेंगे इसमें राई, जीरा और हींग का तड़का। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले मिलाएंगे। देखिए मैं सोच रही हूँ गाइस, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना ये सब्जी, तो समझ नहीं आ रहा, मन में चल रहा है कैसी बनेगी। तो यहाँ अब डाल लेते हैं हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, साथ में डालेंगे हम इसमें मेथी दाना और लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और डालेंगे इसमें नमक, बाद में ऐड करेंगे हम नमक को, पहले इन मसालों को भून लेते हैं। अब डाल देते हैं इसमें प्याज, तो गाइस बस थोड़ा ही, मतलब कि एक बड़े प्याज के करीब मैंने इसमें, यहाँ मैंने जगह थोड़ा सा जीरा लग रहा था वो मैंने इसमें डाला है। और यहाँ मम्मी पूछ रही हैं, और पूछ भी रही हैं, बता भी रही हैं ऐसे बनेगी, चलो करो ठीक से बना रही हो तुम। तो प्याज गाइस यहाँ अच्छी तरीके से भून चुकी है, अब इसमें डाल लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने
कूटा है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, कूट के भी डाल सकते हैं और आप काट के भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब यहाँ टमाटर डाल देते हैं, 2 बड़े चम्मच मतलब कि हमने यहाँ टमाटर डाल दिए हैं क्योंकि अभी टमाटर खट्टे आ रहे हैं, ताकि ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, सभी चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अब टमाटर अदरक लहसुन को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब ऐड कर देते हैं हम नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं और ये ऑयल रिलीज कर दें। हमें जब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे प्यूरी। देखिए अब इस स्टेज पे डाल देते हैं हम कच्चा आम, मैंने ज़्यादा नहीं 1-2 फांके काटी हैं, तो इसे भी थोड़ा सा पानी डालकर गला लेंगे। और मसाले टमाटर प्याज अच्छे से भुन चुके हैं, अब इसको हम पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, तब तक कि आम थोड़ा सा गल जाए। यहाँ देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ढक देंगे और ढककर इसको पकाएंगे, क्योंकि आम गल जाए और मसाले भी आपस में बढ़िया से भुन जाए। ये देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया है बिल्कुल, और आम भी जो हमने डाली थी कच्चा आम वो भी पक चुका है। देखिए मैं काट कर देख रही हूँ। अब डाल देते हैं हम ये बड़ी अरवी कच्चा आलू, तो अब इसको मिक्स करेंगे। गाइस मैं यहाँ से थोड़ा ड्राई बनाऊँगी, यानी कि पानी वाली नहीं बनाऊँगी, आप इसे यहाँ पानी वाली भी बना सकते हैं। अब हमने सारे मसाले तो मिक्स कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे बारी बारी करके, 2-3 चम्मच जो जिनसे मैं चला रही हूँ इतना ही पानी डालेंगे। ज़रूरत होगी तो हम बाद में और डाल लेंगे, क्योंकि ये 80% गल चुके हैं, हमें थोड़ा सा इसे करना है। अब इसे ढककर हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। और साथ साथ ही मैं घर के काम भी कर रही हूँ और लंच टाइम हो गया है। ये देखिए अब हमने इसे चेक कर लिया है, ये हो गया है। साथ में डाल दिया हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर क्योंकि हमने कच्चा आम डाला था। अब डाल देते हैं इसमें लास्ट में गरम मसाला और यहाँ हरा धनिया। अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए कितनी ड्राई बनाई है मैंने, मतलब कि मैंने पानी कम ही डाला था। ये देसी वाली भी बनेगी तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो यहाँ देखिए गाइस अच्छे से ये सब्जी बन चुकी है। अब धनिया से फिर से कर लेते हैं गार्निश। तो गाइस बड़ी अरवी की ये सब्जी बनकर हो गई है तैयार, और गाइस बनने के बाद ये बहुत ही टेस्टी लगी, खाने में सबको पसंद आई। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी फिर से बनाऊँगी, मम्मी जी ने कहा बहुत अच्छी बनाई है फिर बनाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ कर लिया है हमने सर्व। तो गाइस ये परांठों के साथ तो बहुत ही अच्छी लगी, लहसुन के परांठों के साथ। मैंने सुबह नहीं खाए थे तो अब खाऊंगी। तो यहाँ बिल्कुल सब्जी और परांठे बनकर तैयार है, चलिए खा लेते हैं। अगर आपको खाने हैं तो आप भी बनाइए और खाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।